हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल डिजी परिवार। दोस्तों, आज आप हमारे इस वीडियो के माध्यम से नवीन राशन पात्रता पर्ची के आवेदन की स्थिति को चेक करना सीखेंगे। जी हां दोस्तों, यदि आपने भी नवीन राशन पात्रता पर्ची के लिए आवेदन किया था और आप उस आवेदन की स्थिति को चेक करना चाहते हैं कि आपका आवेदन स्वीकृत हुआ या नहीं, यानी कि आपकी राशन पात्रता पर्ची की स्थिति कहां तक पहुंची है, यह आज आप चेक करना सीखेंगे। दोस्तों, कई बार क्या होता है कि जब हम अपनी नवीन राशन पात्रता पर्ची के लिए आवेदन कर देते हैं, हमें पता नहीं रहता है कि हमारी नवीन राशन पात्रता पर्ची बन पाई या नहीं बन पाई, या फिर उसकी स्थिति कहाँ तक पहुँची है। तो हम ऐसी स्थिति में बार बार अपने अधिकारी या कर्मचारियों के पास जाते हैं और हम उनसे पूछते हैं कि हमारी राशन पात्रता पर्ची अभी तक बन पाई या नहीं। तो आज आप हमारे इस वीडियो के माध्यम से बिना कहीं जाए घर बैठे ही अपने मोबाइल फोन से अपनी राशन पात्रता पर्ची का स्टेटस चेक करना सीखेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आपको किसी एक ब्राउजर को ओपन करना होगा, गूगल या क्रोम, जो भी आप यूज करते हो, और वहां पर आपको टाइप करना होगा एम राशन मित्र पोर्टल। टाइप करने के बाद अब आपको सर्च पर क्लिक करना होगा। तो चलिए अब हम सर्च पर क्लिक करते हैं। सर्च पर क्लिक करने के बाद दोस्तों, आपके सामने एक न्यू पेज ओपन हो जाएगा। दोस्तों, अब आपको यहां पर क्लिक करना होगा जहां पर लिखा है एम राशन मित्र। तो चलिए अब हम एम राशन मित्र पर क्लिक करते हैं। एम राशन मित्र के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद दोस्तों, आपके सामने फिर से एक न्यू पेज ओपन हो जाएगा। दोस्तों, अब आपको राइट साइड में ऊपर की तरफ एक ऑप्शन शो हो रहा होगा जहां पर लिखा रहेगा डैशबोर्ड। तो दोस्तों, अब आपको इसी डैशबोर्ड के ऑप्शन पर एक बार क्लिक करना है। चलिए अब हम इस डैशबोर्ड के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। डैशबोर्ड के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद दोस्तों, आपके सामने यहां पर कई ऑप्शन शो होने लगेंगे। दोस्तों, अब आपको यहां पर क्लिक करना होगा जहां पर लिखा है नवीन पात्रता पर्ची हेतु किए गए आवेदन की स्थिति, यहां पर। तो चलिए अब हम नवीन पात्रता पर्ची हेतु किए गए आवेदन की स्थिति के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद दोस्तों, आपके सामने फिर से एक न्यू पेज ओपन हो जाएगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं। दोस्तों, अब आपको यहां पर आपकी परिवार आईडी एंटर करनी होगी जो 8 अंकों की होती है। दोस्तों, आपको बता दें परिवार आईडी और सदस्य आईडी अलग अलग होती है, तो यहां पर आपको केवल और केवल 8 अंकों की परिवार आईडी ही एंटर करनी होगी। इसके बाद दोस्तों, फिर आपको इस टाइप का कैप्चा यहां पर एंटर करना होगा। तो चलिए अब हम यहाँ पर अपनी परिवार आईडी और कैप्चा एंटर करते हैं। परिवार आईडी और कैप्चा एंटर करने के बाद दोस्तों, फिर आपको यहां पर क्लिक करना होगा जहां पर लिखा है देखें, यहां पर। तो चलिए अब हम इस देखें के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद दोस्तों, आपके राशन पर्ची की स्थिति इस तरह से यहां पर शो होने लगेगी। पहले वाले ऑप्शन में दोस्तों, यहां पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा है दिनांक 18/5/2022 को, और यहाँ पर उस अधिकारी का नाम लिखा हुआ है। आगे लिखा है आदेश क्रमांक 12 दिनांक 18/5/2000 को परिवार को पात्र घोषित कर खाद्यान्न सुरक्षा पर्ची जारी करने हेतु अनुशंसा की तथा आदेश में वेरीफाई कारण अंकित कर निकाय को अग्रसित किया, यानी कि इनका जो आवेदन था वो वेरीफाई हो गया है। और दूसरे नंबर पर यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा है निकाय के खाद्यान्न सुरक्षा प्रभारी और उन अधिकारी का नाम लिखा है, और द्वारा आवेदन पत्र दिनांक 25/5/2022 को कार्यवाही की गई। और तीसरे कॉलम में यहाँ पर आप देख सकते हैं DSO ASO JSO के द्वारा आवेदन पत्र दिनांक 26/5/2022 को कार्यवाही की गई। और नीचे यहां पर आप देख सकते हैं स्थिति आवेदन RCMS एवं AEPDS स्वीकृत करने की कार्यवाही पूर्ण, यानी कि इनका जो आवेदन था वो पूर्ण रूप से स्वीकृत किया गया और इन्हें राशन पात्रता पर्ची आवंटित की गई। तो दोस्तों, इस तरह से आप भी घर बैठे अपने मोबाइल फोन से अपनी राशन पात्रता पर्ची की स्थिति को चेक कर सकते हैं। दोस्तों, यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।